हेलो गाइस, वेलकम टू परसिस्टेंस एडुकेयर। स्वागत है आपका परसिस्टेंस एडुकेयर में। वॉइस बराबर है ना? आज कोई गलती नहीं होगा, सारे कुछ एकदम पहले से रेडी करके रखा हूँ। वॉइस क्लियर है ना? गुड इवनिंग अनुराधा, गुड इवनिंग प्रियंका। ओके, वॉइस क्लियर है ना? एक बार ज़रा रिप्लाई कर दो तो मुझे समझ में आ जाएगा, फिर फटाफट से आज क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर, फाइन। ठीक है, चलो फिर आज शुरू करेंगे। हमारा जो क्लास है वह है करंट अफेयर्स शो। ठीक है, पहले मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाता था, वह भी वीकली में एक बार। ठीक है, आज से मैं आपको डेली करवाऊंगा करंट अफेयर्स डिटेल फॉर्म में। थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से करवाऊंगा ताकि आप लोगों को जो चीज़ें बैंक से रिलेटेड है वो चीज़ें आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, और जिस तरीके से आजकल पूछे जाते हैं मैं उसको भी बताऊंगा। गुड इवनिंग गौतम चौधरी, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बीच बीच में बताते रहूंगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करेंगे बिना किसी देर के। आज का हमारा सेशन जो पहला है करेंट अफेयर्स का। ठीक है, तो फर्स्ट आज हमारा फर्स्ट है फॉर यूएस सोल्जर प्रोमोटेड हाई अप ऑन नंद देवी ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो आपको पता है कि युद्ध अभ्यास जो होता है ये आपका यूएस आर्मी, ठीक है, यूएस आर्मी के बीच में, यूएस आर्मी और आपके जो इंडियन आर्मी है उनके बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसमें क्या बताया गया कि इंडिया फर्स्ट फोर यूएस आर्मी ऑफिसर्स पार्ट ऑफ द 11th एयरबोर्न डिवीजन, ठीक है, वे प्रोमोटेड टू हाई अप इन नंदा देवी। क्या है ना, जो यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में जो आपका ये युद्ध अभ्यास होता है ना, उसमें जो उसके यूएस के चार आर्मी ऑफिसर्स है, जो कि पहला है जिनको कि प्रोमोट किया गया। प्रोमोट किया गया मतलब क्या है, एक और जो है हमारा जो पीक है उसमें जो है उनको चढ़ने का मौका मिला है। देखो, अब ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ये एक्चुअली उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, ये यहाँ पे देखो उत्तराखंड में हो रहा है। और जो चार ऑफिसर्स है जिनको ये प्रमोट किया गया है, पहला है कैप्टन सेरुटी, दूसरा है लेफ्टिनेंट रसल, तीसरा है लेफ्टिनेंट ब्राउन एंड चौथा है लेफ्टिनेंट हैक। ठीक है, इन चारों को प्रमोट किया गया। कहाँ पे, किस, क्या प्रमोट किया गया, बेसिकली बोल रहा है क्या, ये नंदा देवी एक दूसरा पीक है। ठीक है, ये नंदा देवी जो है ये दूसरा पीक है और इसमें जो है इनको चढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसका है। अब देखो इसी में ही आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, आपको ये पूछेगा कि हो सकता है कि नंदा देवी में, ठीक है, जो फोर यूएस आर्मी को जो प्रोमोट किया गया है कौन से पीक के लिए, तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बन जाता है नंदा देवी। ठीक है, जो चार कर, चार तो मुझे मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे, चार नेम फिर भी आप लोग इसको याद करके रखना। अच्छा, इसमें स्टैटिक क्या बनता है, यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है, मिलिट्री युद्ध अभ्यास होता है, उसका क्या, उनका नाम मतलब जो अभ्यास होता है वो है युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये एक हो गए। उसके बाद क्या है, युद्ध अभ्यास के बारे में यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हो, युद्ध अभ्यास इज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर्मी। जैसे कि मैंने बताया ये हर साल इंडिया और यूएस आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, और ये ज्वाइंटली होता है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। इस साल जो किया गया वो हिमालयन पीक के किया गया है। अब थोड़ा सा मैं इसका स्टैटिक भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो नंदा देवी के बारे में बताया गया, जो यहाँ पे क्वेश्चन में आया है नंदा देवी उसके बारे में बताया गया है। नंदा देवी इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा। तो कंचनजंगा इंडिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो नंदा देवी आता है। अब नंदा देवी कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूरे, ये नंदा देवी जो है ये पूरा इंडिया में लोकेटेड है। अब देखो कंचनजंगा नेपाल में पड़ता है। ठीक है, लेकिन इंडिया जो नंदा देवी है वो इंडिया में आपका पूरे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में ही आता है। और ये कहाँ पे आता है, हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट में आता है, जो कि है उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ठीक है, ये नंदा देवी जो है ये 23rd हाईएस्ट पीक है। कितना नंबर का, 23rd हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, और ये गढ़वाल हिमालयाज के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये पूरा इस क्वेश्चन इसका ये करंट अफेयर्स का यही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। यस बैंक टर्टल फाइन लॉन्च ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस प्लेटफॉर्म इज द इंश्योर्ड। तो यस बैंक, पता है आपको, इन्होंने एक ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम, जिस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है इजी इंश्योर। ठीक है, ये टर्टल फाइन इंडियाज लीडिंग इंश्योर इंश्योर टेक है।
तो टर्टल फाइन क्या है, एक कंपनी है, इंश्योरेंस टेक कंपनी है, ठीक है, जो अगर किसी को इंश्योरेंस करवाना या कोई कंपनी को किसी तरीके से लॉन्च करना होता है तो इनके साथ ये लोग पार्टनरशिप करते हैं। तो किसने पार्टनरशिप किया है, येस बैंक ने पार्टनरशिप किया, किसके साथ किया है, टर्टल फाइन के साथ किया, करके इन्होंने क्या है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया इजी इंश्योर, ठीक है, इजी इंश्योर इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया इसमें। अब इजी इंश्योर के बारे में आपको मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली बेसिकली है क्या, ठीक है, Easy Insure is the first of its kind proposition for Yes Bank. ये Yes Bank का पहला अपने तरह का एक एक लॉन्च किया गया है जिसमें क्या होगा ना, इसमें ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आप कोई इंश्योरेंस सर्विस लेना चाहते हो तो आप इस पोर्टल में जाके, जो कि इजी इंश्योर पोर्टल बनाया गया है, इसमें जाके आपको सारे तरीके का जो है ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं, जो ये इंश्योर इसको लॉन्च किया गया इसके की पॉइंट क्या है, देखो, टर्टल फाइन यूनिक कस्टमाइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विल एनेबल द प्लेटफॉर्म टू ऑफर अ सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस टू इट्स क्लाइंट। अब क्या है कि अगर जैसे आप बहुत तरीके के आप इंश्योरेंस खरीदने जाते हो या कहीं पे जाते हो ना, तो उसमें बहुत तरह का पेचीदा चीजें आता है जिससे कि कस्टमर नहीं कर पाते, तो ये इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि ये इजी तरीके से कोई भी कस्टमर इसको एक्सेस कर सकते हो, अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी इंश्योर प्लेटफॉर्म देख सकते हो, लाइव विद ओवर 40 लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। अब देखो ये जो इंश्योर इजी इंश्योर प्लेटफॉर्म है इसमें आपको 40 तरीके के लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगे। अब लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में फर्क क्या है, लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है जो हम अपने लिए करवाते हैं, और जनरल इंश्योरेंस कार के लिए होता है, कोई सामान के लिए होता है, तो उस तरीके से, ठीक है, ये आपको रेडी अवेलेबल वहां पे उसमें मिल जाएगा। अच्छा, द प्लेटफॉर्म हैज क्रिएटेड ओवर 30,000 इंश्योरेंस, इस प्लेटफॉर्म ने 30,000 इंश्योरेंस कोर्स, मतलब कि बहुत तरीके के जो है कॉम्बिनेशन करके इन्होंने बनाया है, और 6,500 प्रोपोजल और 5,200 पॉलिसीज इन्होंने इसमें लॉन्च करा है। दिस हैज हेल्प द प्लेटफॉर्म जनरेट टोटल प्रीमियम ऑफ 6,050 लाख। अब इसमें 6,050 लाख का उनों का जो उन्होंने एस्टिमेट किया कि इतने उनको जो है इतने लाख करो 6,050 लाख जो है उनको प्रीमियम इसमें आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी है सबको है, ये बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से जो है यूज किया जाएगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये पूरे ये जो करंट अफेयर्स का यही है, आपको देखो जो की पॉइंट्स है मैंने बहुत तरीके हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप लोगों को ये दिमाग में रहे, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे आप लोग कर सकते हो कि इंश्योर किसके द्वारा बनाया गया है, यस बैंक के द्वारा किया गया है, किन के साथ मिलके, टर्टल फाइन के साथ मिलके किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 30,000 जो ये एक इंश्योरेंस 40 लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस इसमें आपको मिल जाएंगे, इससे कितने प्रीमियम मिलेंगे, 6,050 लाख का इंश्योरेंस आएगा, ठीक है। ये टोटल ये पूरा है इसमें से जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक भी ऐड किया है, येस बैंक के हेड कौन है, प्रशांत कुमार, ठीक है, येस बैंक के हेड कौन है, प्रशांत कुमार, और टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ठीक है। स्टैटिक भी आपको साथ ही साथ मैं जितना होगा इससे रिलेटेड पढ़ाता चलूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, साउथ कोरियाज मीना सुई चोई क्राउन मिस अर्थ 2022। अब साउथ कोरिया के जो मीना सुए चुई है इन्होंने मिस अर्थ 2020 का खिताब जीता है। देखिए आप मीना सुए चुई जिनको कि मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। इसमें टोटल ये कब हुआ था, ये नवंबर 29 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे, मनीला ओकाड़ा होटल पैरनक्वी सिटी। तो ये मनीला कहाँ पे है, ये फिलीपींस में है, ठीक है। मिस फाइव, अच्छा इसमें क्या है ना, There were 86 eco warriors and only 3 queens were awarded the pageants 3 elements title. अब देखो इनमें टोटल 86 जो है competitors ने हिस्सा लिया था, इसमें से तीन जो लोगों को जो है तीन टाइटल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से टाइटल दिया जाता है मैं ये भी बता देता हूँ। इसमें देखो मैं थोड़ा इसी तरीके से करवाऊंगा ताकि आप लोगों को जो इंटरनल क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप अगर इंटरनल से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सको। सिर्फ हेडलाइन से आपको एक क्वेश्चन बनता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा उससे डिटेल में पढ़ोगे तो उससे थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। द न्यू, अच्छा इसमें तीन, एक मिस फायर 2022 किन को मिला है, मिस फायर 2022 मिला है आपका
क्या हुआ भाई? अच्छा मिस फायर 2022 किसको मिला है? ये मिला है एड्रिया एगुइलेरा जो कि कोलंबिया से है। मिस वाटर 2022 किनको मिला है? नादिन आयुब जो कि पैलेस्टाइन से है। और मिस एयर 2022 जो कि आपका मिस एयर 2022 किसको मिला है? शेरिडन मॉटलॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से आपको, आप मतलब जब एग्जाम में आता है आप बोलते हो ये पढ़ा है ये, मतलब हम लोग ही खुद ही बोलते हैं कि ये पढ़ा है नहीं, ये तो कहाँ से आ गया, लेकिन क्वेश्चन आते हैं उसी के अंदर से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछ सकता है कि जो इस बार का जो आपका मिस अर्थ 2022 जो कॉम्पिटिशन हुआ था ठीक है, उसमें आपका मिस वाटर कौन बना था? तो आपका मिस वाटर देखो यहाँ पे है ठीक है, नदीन आयु पैलेस्टाइन से। मिस फायर कौन बना था? ये है मिस एयर। तो आपको डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि साउथ कोरियन, मीना स्वेज, क्राउन, मिस अर्थ इनमें से, ये नहीं पूछेगा आपको, आपको पूछेगा इस तरीके से ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है देखो ठीक है, टाइटल फ्रॉम डेस्टिनी वंगर, ये वहां से रहते हैं। ओन द वर्चुअल कॉम्पिटिशन कंडक्ट इन 20। अब जो ये डेस्टिनी वंगर है ये जो है इनको ये आपका जीता था 2021 में जो हुआ था उसमें ये इन्होंने जीता था ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ और थोड़ा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी मैंने की पॉइंट्स डाल दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा दिमाग में रहे ठीक है। अच्छा इसमें क्या है जो स्टैटिक है, ये साउथ कोरिया कैपिटल क्या है? सियोल है। और करेंसी क्या है? कोरियन ओन ठीक है। इसमें इतना ही बार इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर भी थोड़ा ज्यादा डाल दिया है ताकि आप एक नजर इसमें मार लो ताकि आपके दिमाग में ये रहे। तमिलनाडु सीएम इनोग्रेटेड सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क। तमिलनाडु का सीएम जो है उन्होंने एक सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च किया है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, अब देखो इसमें एक स्टैटिक बन गया ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड द इंडस्ट्रियल पार्क इरायूर इन तमिलनाडु पेरम्बलुर डिस्ट्रिक्ट। तो कहाँ पे? ये तमिलनाडु के पेरम्बलुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च किया है। ही हैज ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर फोनिक्स कोठारी कोठारी फुटवेयर पार्क। अब उन्होंने एक और जो है लॉन्च किया है, इसमें फाउंडेशन रखा है फोनिक्स कोठारी फुटवेयर पार्क। द इनोग्रेशन ऑफ द 243.39 एकड़ पार्क ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु फॉलोड एन अनाउंसमेंट इन 2022-23 बजट सेशन दैट न्यू पार्क वुड बी सेट अप इन कोयम्बटूर, पेरम्बलुर, मदुराई, वेल्लोर एंड तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट। अब देखो जो बजट आएगा उसमें वो लोग जो है अनाउंस करेंगे कि ये स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु इन्होंने कुछ पार्क मतलब वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ कहाँ पे? देखो कोयम्बटूर, पेरम्बलुर, मदुराई, वेल्लोर एंड तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग ये इस पार्क को लॉन्च करेंगे। दिस इज एन अपार्ट फ्रॉम 2,107,1700 करोड़ डील्स एट एग्रीमेंट साइन बाई कंपनी इन अगस्त। तो अगस्त में ये डील जो है आपका साइन हुआ था 1700 करोड़ का। इसमें ये लोग आइडिया एक्सपेक्ट मतलब कर रहे हैं कि इसमें जो है 25,000 लोगों को जॉब मिलेगा। कितने? 25,000 लोगों को जॉब मिलेगा। इसके अलावा भी उन्होंने 12 डील और किए हैं ठीक है, 12 डील और किए हैं जिसमें कि उन्होंने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2,440 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्ट होगा और इससे जो है 29,500 का जॉब जो है और लोगों को मिलेगा। और इसी तरीके से उन्होंने और भी कुछ लॉन्च किया है जिसमें कि उन्होंने 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का एक एक्सपेक्टेड किया है जिससे कि और जॉब जेनरेट होगा 50,000 का ठीक है। तो इसमें क्या है, तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन और तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपका एम के स्टालिन कौन लॉन्च किया है? चीफ मिनिस्टर ने ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया है यही मेन इंपॉर्टेंट है, इरायूर इन तमिलनाडु परम्बलुर डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। और कौन सा, जैसे यहाँ पे फोनिक्स कोठारी फूड पार्क भी लॉन्च किया है ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो ये और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया है, जैसे कोयम्बटूर, पेरम्बलुर डिस्ट्रिक्ट, मदुराई, वेल्लोर, तमिलनाडु ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह इनोग्रेटेड डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। हमारे यूनियन मिनिस्टर है कौन है? आर के सिंह। यहाँ पे स्टैटिक एक मिल गया ठीक है, याद रखना ये सब स्टैटिक है ठीक है। इसी तरीके से स्टैटिक जी के पूछता है, स्टैटिक जी के पहले जो पूछा जाता था उस तरीके से अब नहीं पूछता है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन से ही स्टैटिक जी के पूछेगा। तो ये भी साथ ही साथ आपको जो है
याद करते चलना है, ठीक है ना। तो यूनियन मिनिस्टर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, अब देखो यूनियन मिनिस्टर पावर के और रिन्यूएबल एनर्जी के यूनियन मिनिस्टर है आर के सिंह। कौन है? आर के सिंह। इज इनॉग्रेटेड आरईसी सीएसआर इनिशिएटिव प्रोक्योर ऑपरेशन मेंटेनेंस 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। अब ये क्या है, इसका नाम क्या रखा गया? डॉक्टर आपके द्वार। क्या नाम रखा गया? डॉक्टर आपके द्वार। ये 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो कि लोगों के घर जाकर और वहां पे जाके जो है लोगों का जो है ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, एट सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल होता है वहां पे, कहां कहां पे देखो, यहां से यहां तक आरा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार, ठीक है। तो यहां पे ये लॉन्च किया गया है। द प्रोजेक्ट एम्स टू फैसिलिटेट ऑपरेशन एक्सपेंडिचर 3 ईयर्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 12.68 करोड़। और जो ये डॉक्टर आपके द्वार, ठीक है, ये लॉन्च किया गया, इसका पैसा कितना खर्चा आ रहा है? ये है आपके 12.68 करोड़ इसमें खर्चा होगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब इस अबाउट दिस मोबाइल हेल्थ क्लिनिक इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक एम्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस टू द अनप्रिविलेज पॉपुलेशन, अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन अक्रॉस ऑल 14 ब्लॉक्स ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि बिहार में पड़ता है, उसमें जो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन है, मतलब जो कि गरीबी रेखा से नीचे है, उन लोगों को जो है ये सर्विस प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। 10 कितने लॉन्च किए गए? 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ, ये पूछ सकते हैं कि कितने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं, कहाँ पे लॉन्च किए गए हैं? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में लॉन्च किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। किनके द्वारा किए गए? आर के सिंह के द्वारा किए गए हैं। डॉक्टर, इनका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम है डॉक्टर आपके द्वार। तो इतने क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें और थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है इसके इंपॉर्टेंस। प्री जेनरिक मेडिसिन विल बी डिस्पेंस्ड टू द पेशेंट। अच्छा जेनरिक मेडिसिन इसमें फ्री दिया जाएगा। जेनरिक मेडिसिन आपको पता है ना, जो लाइफ सेविंग दवाई होती है उसको, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, आपको विल कंटेन मोर देन 20 कैंप, इसमें जो है 20 से ज्यादा कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पर मंथ। कितने पर मंथ? 20 से ज्यादा आपको पर मंथ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसमें कि जो है 50 से 70 पेशेंट डेली देखे जाएंगे, ठीक है। अबाउट आरईसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हो, पॉज करके वीडियो को जब रिवीजन करो इसको पढ़ लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंस है इसका, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। पता नहीं आजकल कहीं भी कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। BIS signed MOU with top 6 engineering institute of India, ठीक है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपको पता है जो टैग देते हैं, जो गोल्ड ज्वेलरी होते हैं उनको टैग देते हैं, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है, BIS स्टैंडर्ड। BIS ने साइन किया है कि एक MOU साइन किया है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंट्रोड्यूसिंग इंडियन स्टैंडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। द इनिशिएटिव टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एंगेजमेंट ऑफ BIS इन एनहेंसमेंट टू इंस्टीट्यूट द सिक्योर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ एकेडेमिया। अब क्या कह रहा है कि ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इन्होंने कुछ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उनके साथ टाई अप किया है। क्यों किया है? ताकि इसके बारे में और जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके और स्टूडेंट जो है और इसकी ज्ञान प्राप्त कर सके, ताकि इसको और आगे और इसके बढ़ावा मिल सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया की पॉइंट्स जो है, मैं इसको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जिनके साथ ये डील किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU, ठीक है। उसके बाद मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, उनके साथ किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के साथ किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ पटना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, त्रिची। तो ये कब किया गया है? 28 नवंबर 2020 को इसको ये जो है डील किया गया है, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट विल प्रमोट एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन टीचिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड वेरियस डिसिप्लिन इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें जो टीचिंग और साइंस से रिलेटेड डेवलपमेंट है उसको और बढ़िया किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस साइनिंग श्री प्रमोद कुमार तिवारी डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS। अब देखो इसमें क्या है कि इस ये जो डील जब साइन किया जा रहा था इसमें श्री प्रमोद कुमार तिवारी जो कि डायरेक्टर जनरल है आपके BIS के, ठीक है, उन्होंने जो है BIS मतलब उन्होंने बताया कि जो ये जो साइन MOU साइन हो रहा है इससे जो है और जो टेक्नोलॉजी और ये स्टैंडर्ड का जो फॉर्मुलेशन है, मतलब किस तरीके से स्टैंडर्ड किया जाए,
उसको और जो है एनहेंसमेंट मिलेगा, ठीक है। इट विल एनकरेज यंग माइंड इन्वॉल्वमेंट, मतलब यंग माइंड जो है वो और इन्वॉल्व होंगे इससे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन कौन से जो मेन पॉइंट है ये यहां से यहां तक है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये डील साइन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टैटिक बनता है, श्री प्रमोद कुमार तिवारी देखो डायरेक्टर जनरल है किसके, बीआईएस के, तो ये भी पूछ सकते हैं बीआईएस के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो श्री प्रमोद कुमार तिवारी है, ठीक है। अब बीआईएस है हेडक्वार्टर, बीआईएस के हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली पे है, ठीक है। और पर बट पांच रीजियनल ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पे है, देखो कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली, तो ये पांच रीजियनल ऑफिस है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, नेक्स्ट में आ जाते हैं। 100 नेशनल मॉन्यूमेंट्स इल्यूमिनेटेड मार्क इंडियाज अजम्पशन ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। तो G20 प्रेसिडेंसी अगला जो है वो इंडिया को मिलने वाला है, ठीक है। इंडिया विल फॉर्मली टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फॉर 1 दिसंबर 2020। तो 1 दिसंबर से इंडिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंसी करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंट्री इंक्लूडिंग द लाइटिंग ऑफ 100 मोन्यूमेंट्स विद G20 लोगो टू मार्क द ओकेजन। अब जो ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो 100 मोन्यूमेंट्स है हमारे कंट्री में उसको जो है लाइट अप किया जाएगा, मतलब उसको लाइट वगैरह दे के जलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है थीम क्या रहेगा, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, अतिथि देवो भव, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है। तो उसको इसको जो आप देखो ये लोगो बनाया गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे पिक्चर डाल दिया, एक छोटा सा लोगो बनाया गया है जिसमें कि ये मार्क किया गया। अब लोगो में जो है इसका जो कलर है वो कलर लिया गया हमारे इंडियन फ्लैग से। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ, ह्यूमन एनिमल प्लांट एंड माइक्रोनेशन वैल्यू ऑफ लाइफ। अच्छा, थीम जो है वो किसको वैल्यू करेगा, ह्यूमन एनिमल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है जो वैल्यू करेगा। अब देखो ये जो G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया टेक ओवर करेगा इसमें इसका लोगो बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन लोगो ड्रॉज इंस्पिरेंस फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। अब जो ये कलर, ठीक है, ये जो कलर लिया गया है, रुको इसको थोड़ा सा मैं इसको जो इसका जो कलर लिया गया है, ठीक है, अच्छा इसका जो कलर लिया गया है वो लिया गया आपका नेशनल फ्लैग से, ठीक है। अच्छा, हमारा जो ये देखो यहाँ पे जो लोटस देख रहे हो आप, इसको कहाँ से लिया गया, हमारा जो है नेशनल फ्लावर है उससे ये लोटस का आइडिया लिया गया है। और ये अर्थ जो है, अर्थ तो आपको पता ही है हमारा प्लेनेट है, लाइफ है, तो उसके लिए ये अर्थ लिया गया है, ठीक है। इंडिया टू कन्वीन विल गेट द ग्लोबल स्टोरेज। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी इंडिया विल बी होल्डिंग अबाउट 200 मीटिंग्स इन 32 डिफरेंट सेक्टर। अब जो ये प्रेसिडेंसी मीटिंग्स होंगे, ठीक है, इसमें टोटल 200 मीटिंग्स किए जाएगा और डिफरेंट 32 डिफरेंट सेक्टर को इसको मतलब देखा जाएगा कि किसमें क्या है, ठीक है। अच्छा, टेम्पल इन गुजरात कर्नाटक सेंटर। अच्छा, यहाँ पे द लिस्ट ऑफ 100 साइट दैट विल बी इल्यूमिनेटेड विद ऑल्सो इंक्लूड हुमायूंस टूम एंड परनारा कोयला दिल्ली मद्रासा। अच्छा, इसमें देखो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि जो 100 मोन्यूमेंट्स हमारे देश में लाइट अप किए जाएंगे, जिसको लाइट से जलाया जाएगा, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी है, इसको भी ऐड किया गया है, ठीक है, बस इतना ही है। 19 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द ग्रुप 20 मीटिंग। अब देखो इसमें स्टैटिक बनते हैं, ठीक है, G20 ग्रुप के टोटल कितने मेंबर है, तो ये टोटल 19 कंट्रीज है, ये 19 कंट्रीज मैंने दे दिए है, याद कर सकते हो तो करके रखो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेसिडेंसी हर साल क्या है और नेक्स्ट अगला साल किसको मिलता है, इसी के इसके लेके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। NDTB प्रोमोटर फर्म RRPR होल्डिंग ट्रांसफर्स 99.5% शेयर्स टू अदानीस VCPL। अब देखो ये जो है आप लोग न्यूज से सुनते आ रहे हो, ठीक है, ये करीब 3-4 महीने से चल रहा है ये न्यूज पे कि आपको पता है NDTV को जो है आपका अदानी ने पूरा ले लिया है, ठीक है। तो न्यूज ब्रॉडकास्ट न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV का जो है फुल फॉर्म क्या है, न्यूज ब्रॉडकास्ट न्यू दिल्ली टेलीविजन, ठीक है। प्रोमोटर फर्म RRPR होल्डिंग अनाउंस दैट इट हैज ट्रांसफर्ड शेयर कॉन्स्टिट्यूइंग जो है 99.5% शेयर जो है वो मतलब हैंड ओवर कर दिया अदानी ग्रुप के एक वेंचर जो है विश्व प्रधान कमर्शियल, ठीक है, VCPL विश्व प्रधान कमर्शियल जो है इन्होंने टेक ओवर किया है।
इसको एनडीटीवी को, एनडीटीवी इंडिया को टेक ओवर किया। और ये विश्व प्रधान कॉमर्शियल जो है ये किनका है, अदानी ग्रुप का ही एक हिस्सा है, ठीक है, अदानी ग्रुप का ही एक कंपनी है, उन्होंने टेक ओवर किया है। अच्छा की पॉइंट देखो, अदानी गौतम अदानी चेयरमैन है अदानी ग्रुप के, ठीक है, जो कि जिन्होंने की एनडीटीवी परचेस वाज रिस्पॉन्सिबल रादर देन अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब ये कुछ अदानी ग्रुप का अपना कहना था कि ये एक क्या कहते हैं आपका एक अपॉर्चुनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए ये वो वगैरह वगैरह। तो इसका जो आपको पता है, इसका जो आपका फाउंडर है एनडीटीवी के फाउंडर है प्रणय रॉय और राधिका रॉय, ठीक है, इन दोनों ने ये इसका नींव रखा था एनडीटीवी इंडिया का। तो इसका जो मतलब कैसे क्या हुआ आपको सारा कुछ हो सकता पता हो कि किस तरीके से हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें जो है कि किसने प्रोक्योर किया है, ये इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रधान कमर्शियल इन्होंने जो है इसको टेक ओवर किया है, ठीक है, और फाउंडर कौन है एनडीटीवी के, प्रणय रॉय और राधिका रॉय। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि मैं अगले स्लाइड में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टीफनी फ्रैपर टू बी फर्स्ट वुमेन रेफरी। देखो फीफा वर्ल्ड 2022 जिसमें कि फर्स्ट वुमेन रेफरी चुना गया है, किसको, स्टेफनी फ्रैपर्ट, स्टेफनी फ्रैपर्ट फ्रांस से, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से है, इसको कि पहला मेंस वर्ल्ड कप मैच में जो है इनको रेफरी चुना गया है। शी विल ऑफिशिएट द मैच टू बी प्लेड बिटवीन जर्मनी एंड कोस्टारिका। अच्छा कौन से मैच के मैच में इनको बनाया गया, जर्मनी एंड कोस्टारिका जो मैच हुआ है उसमें जो है, जो कि ग्रुप ई के मैच है, 2 दिसंबर को हुआ था, होगा उसमें, ठीक है, तो 2 दिसंबर तो आज ही है, तो आज का जो मैच है उसी में ही जो है, सॉरी हाँ आज का मैच में ये जो है इनको बनाया जाएगा एज ए मैच रेफरी, ठीक है, नाम याद रखना। फर्स्ट वुमेन ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है फर्स्ट वुमेन रेफरी किसको बनाया गया, स्टेफनी प्रेपर्ट, ठीक है, याद नाम याद रख लेना, सही रदन ऑफिशियल सनी। अच्छा उसके बाद और क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, थ्री अदर फीमेल ऑफिशियल्स हैव ट्रेवल टू द वर्ल्ड कप एज असिस्टेंट रेफरी। अच्छा तीन और जो है वो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है, कथा अलोंग साइड रवांडाज ऑफिशियल सलीमा मुकनसंदंगा एंड जापान योशीमी यमा साहिता, क्या नाम है यार, कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करे, इनको भी जो है एज ए असिस्टेंट रेफरी चुना गया है। अबाउट द स्टेफनी प्रेपर्ट, अब देखो स्टेफनी प्रेपर्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, वो 30 इयर्स एज के है, उन्होंने और क्या क्या किया है, लेवल यूरोपियन लीग जो होते हैं, फ्रांस लीग, उनमें भी उन्होंने जो है एज ए रेफरी काम किया है, ठीक है ना, यही सब है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक जो इम्पोर्टेंट है देखो, इससे रिलेटेड है, इसको मैंने अलग से डाला है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, हमारे नहीं एक्चुअली, हाँ जगदीप धनखड़, वो जो है ये मतलब किनसे ज्वाइन किसको करेगा, अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ठीक है, जो इनॉग्रल है उसमें वो हिस्सा लिए थे, ठीक है, जो इनॉग्रल है उसमें जगदीप धनखड़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है, आप तो पूछ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे, ठीक है, वो उन्होंने जो है फीफा वर्ल्ड कप में जो इनॉग्रल है, इनॉग्रेशन है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसमें स्टैटिक क्या बनते हैं, कतार कैपिटल दोहा, करेंसी क्या है, कतारियल, कतारी रियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आ जाते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन टेस्टेड बाय इजी जेट रोल्स रॉयस। वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है किसने, इजी जेट रोल्स रॉयस ने, ठीक है, रोल्स रॉयस जो कि एयरक्राफ्ट इंजन बनाते हैं, एयरलाइन इजी जेट, ठीक है, कौन सा एयरलाइन कंपनी है, ये इजी इजी जेट एयरलाइन कंपनी है, मतलब इसको सेटअप करना पड़ेगा, तो मेरा ये सेटअप भी नहीं है, अरे ओके चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, कौन सा एयरलाइन कंपनी है, इजी जेट एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, जो कि रोल्स रॉयस के द्वारा उनके लिए बनाया गया है, मतलब इजी जेट एयरलाइन कंपनी के एयरक्राफ्ट के लिए रोल्स रॉयस ने बनाया है, वर्ल्ड फर्स्ट एविएशन, फर्स्ट जिसके वजह वर्ल्ड फर्स्ट एविएशन, ठीक है,
जो कि हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन है, मतलब ये इंजन जो है हाइड्रोजन से भी चलेगा। ठीक है, की पॉइंट क्या है, द कंपनी टेस्टेड अ टर्बोप्रॉप फैन इंजन दैट इज यूज्ड अ स्मॉल रीजियनल फ्लाई एयरक्राफ्ट। अब उन्होंने कौन से टाइप का ये इंजन यूज किया है, फैन इंजन, टर्बोप्रॉप फैन इंजन यूज किया है, जो कि स्मॉल एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन फॉर टेस्ट हैड बीन जनरेटेड यूजिंग टिडल एंड विंड एनर्जी फ्रॉम ओकनी आइसलैंड स्कॉटलैंड। ये कहाँ पे जो एनर्जी है, ओकनी ऑर्कनी आइसलैंड स्कॉटलैंड से, वहां से जो है इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन मिनिस्टर फॉर बिजनेस एंड एनर्जी ग्रांट शेप्स हैज सेड दैट इट इज ए ट्रू ब्रिटिश सक्सेस स्टोरी। मतलब हमारे ब्रिटेन के जो मिनिस्टर है बिजनेस एंड एनर्जी के, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा एक सक्सेस है। ठीक है, अच्छा, ब्रिटेन अर्लियर दिस ईयर आइडेंटिफाई द नीड ऑफ मेजर इन्वेस्टमेंट टू हेल्प अनलॉक ग्रीन हाइड्रोजन एंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अब उन्होंने, ब्रिटेन जो है इस पे ध्यान दे रहा है ताकि जो ग्रीन एनर्जी है उसको, और थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ही ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। ब्लू हाइड्रोजन इज फार मोर अवेलेबल देन द ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा, ब्लू हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा अवेलेबल है ग्रीन हाइड्रोजन के मुकाबले। ठीक है, प्रोसेसिंग रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, एनवायरमेंट के साथ मिलके प्रोड्यूस नेचुरल गैस इज प्रोसेसिंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हमारे वातावरण में जो है उसको लेके तो मिलके जो है नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। पहला, हाइड्रोजन इंजन कौन से एयरलाइन कंपनी के द्वारा बनाया गया, इजीजेट कंपनी के द्वारा, मतलब इजीजेट कंपनी के लिए बनाया गया है। कौन से कंपनी ने बनाया, रोल्स रॉयस ने बनाया है। ठीक है, इंटरनेशनल जैगुआर डे 2022 29 नवंबर। तो इंटरनेशनल जैगुआर डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 नवंबर को। ठीक है, 29 नवंबर को इंटरनेशनल जैगुआर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है, ताकि जो जैगुअर है, ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे खत्म, रेयर कैट है, एक कैट मतलब बिल्ली की प्रजाति है जो कि धीरे धीरे बहुत खत्म हो जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको भी पूरा किया जा सके। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है एक जो है आपका ये रखा गया है, रिसेंटली नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली सेलिब्रेट द इंटरनेशनल जैगुआर डे ऑन 29 नवंबर ऑन द ऑकेजन ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज लाइक जू वॉक एंड एक्सपर्ट टॉक ऑन बिग कैट्स एंड जैगुआर। एक उन्होंने थीम मतलब एक टॉक रखा था ताकि जैगुआर पे थोड़ा बातचीत हो सके उसके लिए। ठीक है, तो याद रखना है नेशनल इंटरनेशनल जैगुआर डे कब होता है, 29 सितंबर को होता है। एसबीआई प्लान्स टू इश्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ऑफ रीस 10,000 करोड़ इन 2022-2023। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एसबीआई प्लान्स क्या कर रहा है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है वो 2022-2023 के लिए जो है इशू करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लान्स टू रेज 10,000 करोड़ वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। एसबीआई कंफर्म दैट मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू सीक अप्रूवल फॉर द राइजिंग रेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड रिस 10,000 करोड़ थ्रू पब्लिक इशू ऑफ प्रोवाइड प्राइवेट प्लेसमेंट। एसबीआई क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स मतलब क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसके बदले आप पैसे रखेंगे। ठीक है, तो इसके जरिए जो ये बॉन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, इनके जरिए उनका जो है अनुमान है कि वो 10,000 करोड़ जो है इसको अमाउंट को एक्यूमुलेट करेंगे, मतलब इकट्ठे करेंगे। ठीक है, ऑप्शन, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा की पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है, द प्लान इंश्योर ओवर दिस 10,000 करोड़ इंक्लूड अ ग्रीन होल ऑप्शन ऑफ 5,000 करोड़। ठीक है, द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लिकली टू बी ऑफ 10 ईयर्स टेन्योर अकॉर्डिंग टू द प्लान। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि ये 10 साल के लिए होगा, मतलब कि अगर आप इसको इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको 10 साल के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इश्यूएंस ऑफ दिस बॉन्ड विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल मेंटेनिंग द कैश रिजर्व, मतलब सीआरआर जो होता है उसको एक्सक्लूड करके जो है आपको ये लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई नॉर्म्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विद मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 7 ईयर्स रेज रिसोर्स फॉर लेंडिंग अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आरबीआई के अनुसार जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं वो 7 साल या उससे ज्यादा के होने चाहिए। अब देखो इसमें बैंकिंग अवेयरनेस इस तरीके से पूछ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है,
आरबीआई के अनुसार लॉन्ग टाइम बॉन्ड्स का मिनिमम मैच्योरिटी कितने का कितने साल का होता है, तो इस तरीके से आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट से पूछ देगा बैंकिंग अवेयरनेस कि चेक क्या है ये वो, अब वो इस तरीके से नहीं पूछता, आपको अंदर अंदर से इसी तरीके से पूछेगा, तो आपको ये इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। 1 जुलाई 1995 को जो है आपको ये जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये पहले आपका इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, और इसका दिनेश खाड़ा जो है आपको पता है एसबीआई के सीईओ है। यस बैंक एक्वायर 9.9% स्टेक इन जेसी फ्लावर एआरसी। अच्छा, यस बैंक जो है उन्होंने 99.9% जो स्टेक है उन्होंने खरीदा है, जेसी फ्लावर एआरसी जो है उसमें आपका हिस्सा खरीदा है, ठीक है। यस बैंक एक्वायर शेयर परचेज एग्रीमेंट हुई जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है तो उसमें जो है 9.9% का स्टेक जो है उन्होंने खरीदा है, ठीक है। यस बैंक एक्वायर 9.9%, अच्छा वही है। यस बैंक बोर्ड हैज अप्रूव द सेल स्ट्रेस लोन ऑफ 48,000 करोड़ टू जेसी फ्लावर्स जो है उनका जो, देखो एआरसी क्या है, आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, हाल ही में इसको बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? जो बैंक के बैड डेब्ट्स है, मान लो कि बैंक के बैंक ने बैंक से, मान लो ये मैं आपको सिंपल तरीके बताऊं, ठीक है। मान लो आपसे मैंने लोन, आपको मैंने लोन दिया है, ठीक है। ये दो व्यक्ति है, ठीक है, ये दो व्यक्ति है, इसने जो है ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए ने बी को लोन दिया है, कितने का? मान लो 10 रुपए का लोन दिया है ए ने बी को, ठीक है। अब बी इस लोन को नहीं दे रहा है, बी इस लोन को नहीं दे पाया, तो ये आपका एनपीए हो गया। अब ए जो क्या करेगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाएगा, उनको बोलेगा कि आप मेरा ये 10 रुपए वाला जो एनपीए लोन है इसको ले लो, ठीक है। अब इस 10 रुपए लोन के अगेंस्ट में आपने हो सकता है इसका बिल्डिंग या घर कुछ गिरवी रखा है आपके पास, ठीक है। तो आपने कहा कि भैया आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ए जाता है, जाके बोलता है, ठीक है, ये हो गया आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ए इसके पास आता है, आके इसको बोलता है कि भैया ये आप रख लो घर का पेपर, ठीक है, 10 रुपए का लोन है, आप इसको रख लो, इसके बदले में आप पैसे दे दो मुझे, ठीक है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करता है, ए से जो है बैंक ए से ये सारा डॉक्यूमेंट घर का पेपर्स का ये सब ले लेता है, इसको ए को पैसा पेमेंट कर देता है, ठीक है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगा, ये करेगा कि इस घर को बेच के जो है पैसे इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करता है। तो इसमें जो है इसने 9.9% का स्टेक जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के इसको लिया है, ठीक है। यही है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट केम डाउन। अच्छा, इसमें थोड़ा जो है इसके बाद जो है फॉर द 3 मंथ एंडेड 30 सितंबर नॉन प्रॉफिट यस बैंक ड्रॉप 32% ईयर ऑन 152.8 करोड़। टोटल इनकम ड्यूरिंग क्वार्टर फिनेंशियल 23 वाज हायर 6,394.11 करोड़ ऑन अगेंस्ट 5,433 करोड़। अच्छा, इनका जो एनपीए भी बहुत सारा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये भी घट गया, मतलब पहले इतना था अभी इतना रह गया है, सॉरी इस हायर एट तो करोड़ एट अगेंस्ट है तो। अच्छा इनकम, अच्छा इनकम ये बताया गया है, ठीक है, इनकम ये बताया गया है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट केम डाउन 12.89% ऑफ ग्रॉस एडवांस अगेंस्ट 14.9%। अच्छा, पहले इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है 14.797% था, जो कि घट के 12.89% हो गया है, ठीक है। और इनको जो है आपका जो बैंक में जिसमें इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया था उससे भी इसको हटा दिया है। यस बैंक है अच्छा यस बैंक का हेड कौन है? प्रशांत कुमार। टैगलाइन एक्सपीरियंस और एक्सरसाइज फिर से मैंने डाल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडियाज 100 रिचेस्ट 2022, गौतम अदानी टॉप्स फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप देख सकते हो फोर्ब्स 2022 लिस्ट, 2022 का लिस्ट जहाँ है उसमें इंडिया का जो 100 रिचेस्ट व्यक्ति है, ठीक है, उनका नाम है यहाँ पे टोटल, आप देख सकते हो इसमें।
अदानी ग्रुप चेयरमैन अदानी हैज बैक द टॉप स्पॉट ऑन द लिस्ट व्हाट इज नेट वर्थ इज 150 बिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स गेन वाज लार्जली ड्यू टू अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीट बाय इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून व्हिच चेंज द पिकिंग ऑर्डर एंड टॉप ऑफ द फर्स्ट टाइम सिंस 2008। अब देखो इसमें क्या कहेगा, गया वही 100 रिचेस्ट इंडियन जो है उसमें गौतम अदानी ने टॉप किया। आप यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया रैंक, ठीक है, कितने उनका नेटवर्थ है ये भी याद रख लेना, ठीक है। गौतम अदानी एक नंबर पे, सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी, थर्ड नंबर है राधा कृष्णन धामनी, ठीक है, थर्ड नंबर पे है। तो ये 1, 2, 3, 4 ये याद रख लेना अच्छे से, इनके नेटवर्क कितने हैं ये भी याद रख लेना, ठीक है, ये तीनों का याद रख लेना। अच्छा, 10th नंबर में बजाज फैमिली है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अभी जो है नंबर वन कोई नहीं पूछता एग्जाम में, नंबर टू या नंबर थ्री पूछ लेता है, ठीक है, तो ये अच्छे से याद रख लेना। या लास्ट में नंबर 10th में कौन है ये भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रख लेना। और उनके नेटवर्क कितने हैं ये हमेशा याद रखना, ये बहुत पूछता है, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, न्यू यहाँ पे देखो न्यू फेसेस इंडियन टॉप 100 रिचेस्ट लिस्ट। अब देखो कुछ नए लोग जो इसमें जुड़े हैं, जैसे फाल्गुनी नायर विथ ए नेटवर्थ 4.8 बिलियन, फाल्गुनी नायर, फिर रेखा झुंझुनवाला, फिर नेहल वकील, फिर वेणु श्रीनिवासन, रवि मोदी और निर्मल मिंडा और रफीकुई मलिक। तो ये लोग जो है नया आए हैं, इनके अभी पैसे हाल ही में बढ़े हैं, तो ये नया ऐड हुए हैं, ठीक है, तो याद रख लेना। टॉप किसने किया है, गौतम अदानी ने टॉप किया, सेकंड मुकेश अंबानी, थर्ड राधा कृष्णन धमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड नंबर, ये मान लो पूछेगा ही कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क प्री आ रहा है, एसबीआई पीओ प्री आ रहा है, मेंस आएगा, एसबीआई क्लर्क मेंस आएगा, उसमें पूछेगा ही, ठीक है। बीएसएफ सेलिब्रेट इज 58th रेजिंग डे ऑन राइजिंग डे ऑन दिसंबर 1। तो दिसंबर 1 को जो है बीएसएफ ने अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसका फुल फॉर्म होता है, उन्होंने अपना कितना 58th राइजिंग डे जो है उन्होंने सेलिब्रेट किया, कब किया है, 1st दिसंबर को, ठीक है, उन्होंने ये इसको सेलिब्रेट किया है राइजिंग डे को। अच्छा, उसके बाद क्या है इसमें कौन कौन से, अच्छा बीएसएफ आपको पता है दिसंबर 4 को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, अच्छा ये एक परेड, मतलब इस राइजिंग डे में एक परेड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि 4th दिसंबर को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा। हिस्ट्री, बीएसएफ का फॉर्म इन 1965, कब इसको फॉर्म किया गया था बीएसएफ को, 1965 को, ठीक है। द ऑपरेट इन वेस्ट बंगाल, अच्छा जो बीएसएफ का जो मतलब हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ कहाँ पे है, देखो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम एंड त्रिपुरा अलोंग विद द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे जो है इनका जो है सिक्योरिटी रहता है गुजरात। अच्छा, ये कहाँ कहाँ से, देखो पर्सनल गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इन जगह से सब एलओसी में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जहां जहां पे है वहां पे, ठीक है, ये लोग कुछ प्रदर्शनी करेंगे। अच्छा, बीएसएफ नेशनल सिक्योरिटी हैज रिच लेगेसी ऑफ ब्रेव महावीर चक्र। अच्छा देखो, बीएसएफ जो है उनको जो अपने साहसिकता के लिए जो है कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, महावीर चक्र अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी 1990 ओवर जम्मू एंड कश्मीर बीएसएफ प्लेड अ क्रूशियल रोल लिमिटिंग द स्प्रेडिंग टू द नेबरिंग स्टेट हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ये कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, बीएसएफ डायरेक्टर जनरल कौन है, पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक है जो कि मैंने ऐड किया दी है, ठीक है। ये 58th राइजिंग डे है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1st दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, पंकज कुमार सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ओके। चलो नेक्स्ट, सीनियर जर्नलिस्ट रविश कुमार रिजाइन फ्रॉम एनडीटीवी फॉलोइंग अदानी एक्विजिशन। अब देखो मैंने कहा था पिछला इसका एक्विजिशन के बारे में पढ़ाया था, अब यह है कि रविश कुमार उन्होंने इसमें से रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन कर दिया है, क्योंकि अदानी ने इसको खरीदा है। आपको पता है अदानी जो है वो बीजेपी का अच्छा सपोर्टर है ना, और रविश कुमार ऐसा व्यक्ति है जो कि सच्चाई को हमेशा उठाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसको कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जो है रविश कुमार, आपको पता है एनडीटीवी के जो मेन रिपोर्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय जो कि आपको पता है एनडीटीवी के फाउंडर है, ठीक है। अच्छा,
आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में आरआरपीए पीआरएच कहा जाता है, ये उनका ये प्रणय रॉय और राधिका रॉय का ही कंपनी था, ठीक है, उनका एक दूसरा कंपनी। अब देखो रविश कुमार जो है उनको रमन रमोन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, ये आपको पता है, और उनको रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड ये 2 बार उनको मिल चुका है, ये अवार्ड भी उनको मिला है। याद रख लेना क्या क्या अवार्ड मिला है रविश कुमार को, रमन मैग्सेसे अवार्ड और रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस अवार्ड उनको 2 बार मिल चुका है। अब देखो जो एक्विजिशन है आपको पता है मैंने कहा था उसके पीछे थोड़ा सा पेचीदा चीजें हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो कि ये एक्विजिशन किस तरीके से कैसे हुआ है, ठीक है। ऐसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका महत्व है नहीं, इंपॉर्टेंट वही है कि कौन से ग्रुप ने खरीदा है, बीसीपीएल ने खरीदा है, बीसीपीएल किसके अंडर में आता है, अदानी के अंडर में आता है, ठीक है, यही बस इतना बार इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट ऑन 1 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे जो है आपका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को हर साल जो है इसको वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे थीम इस बार क्या रखा गया है, इक्वलाइज, क्या थीम रखा गया है इस बार का, 2022 का थीम रखा गया है इक्वलाइज, ठीक है। अच्छा इसमें सिग्निफिकेंट क्या है वही आपको पता है, एड्स को लेके बहुत लोगों में बहुत तरीके की सोच है, ठीक है, जो कि उसको हटाना है इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा वर्ल्ड एड्स डे वॉज फर्स्ट डायग्नोज इन ऑगस्ट, एड्स डेजिग्नेटेड इन ऑगस्ट 1988, वर्ल्ड एड्स डे जो है सबसे पहले कौन से साल में इसको शुरू किया गया था, वर्ल्ड एड्स डे 1988 को किन के द्वारा, जेम्स डब्ल्यू बन एंड थॉमस नेटर, इन दोनों के द्वारा जो है वर्ल्ड एड्स डे शुरू पालन करना शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा इट वाज एस्टिमेटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1980, अच्छा 1988 में, वही यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, कितने टोटल 90,000 और से लेके 1.5 लाख तक का जो है लोगों को एचआईवी हुआ था ये पता लगाया गया था, ठीक है। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्या है। अच्छा आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप क्लास कैसा लगा हो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, मैंने कोशिश किया है डिटेल में थोड़ा अच्छे से पढ़ाने का, ठीक है, क्लास अच्छा लगा हो थोड़ा बता देना, थोड़ा शेयर कर देना लोगों से, और अगर आप बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा संडे को, देखो करंट अफेयर्स का जो आपको पढ़ने का तरीका रखना होगा वो रखना होगा, आपको डेली पढ़ना है, किसी भी हालत में करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है, करंट अफेयर्स जो है डेली आपको पढ़ना है, ठीक है, और जो है संडे को आपको रिवीजन करना है, संडे को सुबह से आप रिवीजन करो, ठीक है, संडे से सुबह से आप रिवीजन करो सिर्फ करंट अफेयर्स का पूरे वीक का, इस तरीके से जो है आपको करना है, ठीक है। अगर आपको क्लास थोड़ा अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, बताना कि और क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको और अच्छे से कर पाऊँ, बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा फंबल आए कुछ आए तो उसके लिए सॉरी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसका पीपीटी, ये इसका पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद जो है ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके चलो आज के लिए इतना ही, आपको क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, ताकि लोग और लोगों के पास ये पहुंच सके, ठीक है, चलो आज के लिए टाटा बाय बाय।